सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मटन कचनार बनाने का तरीका सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बकरे के गोश्त में या मटन कचनार जो है वो किस तरह बनाई जाती है। इसके लिए मैंने आधा किलो जो है वो बकरे का गोश्त लिया है। इससे पहले वीडियो में मैं आपको चिकन में कचनार बनाना सिखा चुकी हूँ, आज मैं आपको मटन में बना के दिखाऊंगी। जिस तरह मैंने मटन लिया है सेम उसी तरीके से आप बीफ भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आधा किलो बकरे का गोश्त, आधा किलो कचनार, इसको मैंने तोड़कर बना लिया और इसको धोने के बाद साफ कर लिया। एक टमाटर, अच्छा ये जो टमाटर है ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्जी है, आप या तो दही का इस्तेमाल करें या टमाटर का, और जिन लोगों को दोनों पसंद है वो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दही का इस्तेमाल करेंगे, टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर। एक प्याली दही, तीन दरमियानी साइज के प्याज मैंने कट कर लिए हैं। इसके बाद डेढ़ चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक हसबे जायका मैंने आधा चम्मच लिया है, 1/4 टेबल स्पून जो मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है, एक चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा गरम मसाला, ये ऑलमोस्ट आधा चम्मच है गरम मसाले का। अब हमने क्या करना है, ये मैंने कुकर ले लिया है, कुकर के अंदर हम जो है वो गोश्त शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर ये प्याज शामिल कर रही हूं, प्याज के बाद हम तमाम मसाले शामिल करेंगे, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने एक ग्लास जो है वो पानी लिया और इसके अंदर शामिल कर दिया। आपने पानी की क्वांटिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब मैं इसको वेट लगाकर पकने के लिए रख दूंगी, जैसे ही इसको 3 से 4 सीटियां बोलेंगी हम गोश्त को चेक कर लेंगे कि वो हमारा गोश्त गला है या नहीं। चलिए अब इसको चूल्हे पर रखते हैं। अब ये 15 मिनट हो चुके थे 3 सीटियों के बाद, अब हम इसको खोलकर देखते हैं। ये आपने बहुत एहतियात से इसको कर लेना है ताकि अब जले ना, और ये देखें जी हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। ये अब मैंने इसके अंदर एक चम्मच ऑयल, ये दो चम्मच जो है हमने वो पकाने वाले सालन के इस्तेमाल किए हैं, और अब हम इसको साथ साथ भूनेंगे। ये देखें जी अब मैंने इसमें ऑयल जो है वो शामिल कर लिया है। अब हम जब तक इसको भूनेंगे, भूनने के बाद जब गोश्त घी छोड़ेगा तब हम इसके अंदर दही और कचनार को डालकर मजीद भूनेंगे। ये देखें जी अब इसको मैंने अच्छे से भून लिया और गोश्त की स्मेल भी नहीं आ रही। अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। अच्छा, जब आप ऑयल डालने से पहले भी इसमें दही शामिल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। अब जब दही का पानी और दही जो है वो खुशक हो जाएंगे, गोश्त फिर से घी छोड़ेगा, तो हम इसके अंदर कचनार ऐड करेंगे। ये देखें जी ये काफ़ी हद तक जो है हमारा दही वो गोश्त में शामिल हो गया है और गोश्त ने हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब बाकी जो दही का पानी सुखाना है वो हम कचनार डाल के सुखाएंगे। अब जी मैं इसके अंदर कचनार शामिल कर रही हूँ, ये देखें। अब ये इसके साथ साथ भूनती जाएगी, 5 से 7 मिनट हमने इसको बनाई देनी है, और फिर थोड़ा सा कचनार में पानी शामिल करेंगे। चलिए अब हमने इसको अच्छे से हला लिया, अब मैं इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी, और 1-2 मिनट के बाद हम इसको साथ साथ चेक करते जाएंगे। ये देखें जी अब इसने जो हमने कचनार डाली थी उसको हम इसमें डालकर भून रहे हैं, ऐसे वक्फे वक्फे से हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोश्त ने और कचनार ने हल्का का जो है वो ऑयल छोड़ दिया और वो ऊपर आना शुरू हो गया। अब मज़ीद इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे।
ये देखें माशाल्लाह इसने जो ऑयल है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर छोड़ दिया है, इसके ऊपर ऑयल अच्छे तरीके से आ चुका है। अब हमने चेक करना है, ये जो हमारी कचनार है वो भी गल चुकी है और जो गोश्त है वो भी गल चुका है। एक टिप बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी कचैन है या कच्चे कच्ची लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी डालकर, जितनी आपको लगती है कच्ची है उसके अंदर आपने पानी डालना है और फिर वेट लगा देना, और वेट को 3-4 मिनट बाद ओपन कर लीजिएगा, गल जाएगी। लेकिन हमारी कचनार जो है वो गल चुकी है, जस्ट हमने इसको क्या करना है, डिश आउट करना है। हमने कचनार गोश्त को जो है वो डिश आउट कर लिया, हमारा आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट होती है। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये डिश पसंद आई होगी, इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।